गाइस इस सब्जी को आप भटूरे के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, जिससे मर्जी आए उसके साथ सर्व कर सकते हैं। जीरा राइस के साथ भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ हमारी रेसिपी बनाने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ छोले की सब्जी, मेरी स्टाइल में। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं छोले की सब्जी कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस बार दिवाली पर आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इनको ओवर नाइट के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था बढ़िया से पानी में। तो अभी ये फूल चुके हैं, तो मैं इन्हें सारे छोलों को डाल दूंगी इस प्रेशर कुकर में। और मैंने लिए हैं कुछ मसाले, कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने और कुछ मैंने पिसे हुए लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे साइज के गरम मसाले के पत्ते लिए हैं, वो मैं इसमें डालूंगी। 4-5 काली मिर्च डाल दूंगी और 4 लौंग डालूंगी, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दूंगी और 1 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, वो जाएगा इसमें। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वो जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे हम पानी 2 कप। तो बस इन्हें सबको मिक्स करते हैं, इस तरह से घुमा देंगे और जो 3 सीटी आने तक हम इन्हें बढ़िया से बॉईल कर लेंगे। छोले हमारे बॉईल होंगे ना, तब तक हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। प्याज वगैरह का यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 प्याज मीडियम साइज के, 4 टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्च ली है। तो इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे ऑमलेट कट कर लेंगे प्याज। यहाँ पर हमारी सारी चॉपिंग हो चुकी है, टमाटर भी कट हो गए हैं और प्याज भी, और छोंकूंगी मैं सबसे पहले। तो छोंकने के लिए मैंने लिए हैं 2 पिंच हींग ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है और 3 जो हरी मिर्च मैंने ली थी उसे मैंने बारीक कट कर ली। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच ऑयल, और ऑयल को हम गरम होने देंगे, उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे। ऑयल जो है ना वो तो हमारा गरम है, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, अभी इसमें डाल देंगे हींग, कसूरी मेथी और हरी मिर्च दोनों डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। और गाइस इसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं और आलू भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सिंपल खाली छोले बना रही हूँ, पनीर ऐड नहीं कर रही हूँ, वरना आप इसको इसी रेसिपी से छोले पनीर भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आता है। वो तो गोल्डन हो चुकी है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हमारी प्याज के साथ में। अदरक लहसुन का पेस्ट तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, काला नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून बढ़िया कलर लाने के लिए, रेगुलर लाल मिर्च मैं डालूंगी इसमें 2 टीस्पून। अब इसमें जाएगा भर के 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून डालेंगे छोले मसाला, 3 टीस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 कप पानी। अभी इसे हम 5-6 मिनट तक बढ़िया से मसाले को भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। मसाला भुनेगा तब तक हम हमारे छोलों को चेक कर लेते हैं बॉईल हुए या नहीं। देखिए छोले जो है ना वो हमारे बढ़िया से बॉईल हो गए हैं। अभी मैं इसे हल्का सा क्रश करूंगी। ये क्रश जो करते हैं ना हम, यही एक टिप्स होती है हलवाई लोगों की, देखा होगा आप लोगों ने अक्सर जब वो छोले बनाते हैं ना, तो हल्के से उनके छोले जो है ना वो दबे दबे से रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे छोलों का जो टेस्ट है ना वो निखर के आता है, बहुत ही सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आता है। तो अभी बस मैंने इन्हें हल्का सा क्रश कर लिया है, और मसाला जब हमारा भुन जाएगा ना हमारी ग्रेवी तैयार, हम छोले ऐड करेंगे और ये मसाले कुछ भी नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर है। और ये ऐसा कैसे ही हम डालेंगे, और पानी देखिए बिल्कुल हम इतना ही पानी डालेंगे और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं मसाले को बढ़िया से भुनते हुए, और मसाले की कलर और रंगत आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। अगर आप इसमें पनीर ऐड करेंगे ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसमें छोले ऐड कर देती हूँ,
जो मैंने मैश करके रखे हैं हल्के हल्के से। हमारे छोलों का भी कलर कितना बढ़िया लग रहा है, जो हमने बॉईल करते वक्त हल्दी डाली थी ना, उसकी वजह से हमारे छोलों का जो कलर है ना वो इतना प्यारा आया है येलो येलो। तो फिलहाल मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर दूंगी, और जो प्रेशर कुकर है ना हमारा, उसमें मैं 1 कप पानी ऐड करके उसे घुमा कर अच्छी तरह से वो भी मैं सारा इसी में ऐड कर दूंगी बस। और इसे हम पकाएंगे करीब 8 मिनट तक, ये बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर। जितनी ज़्यादा धीमी आँच होगी ना हमारे छोलों का, उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, अच्छा फ्लेवर इसका मसालों का और छोलों का एक दूसरे में मिक्स होकर आएगा, एक सौंधापन आएगा। तो बस इसलिए मैं उसको पका रही हूँ बिल्कुल धीमी आँच पर। आँच आप देख सकते हैं, बस इतना ही हमें पकाना है। इस 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी जो है ना वो बनकर बिल्कुल से तैयार है। तो अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और सब्जी में दो चीज़ें और ऐड करेंगे। वो दो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। गार्निशिंग तो बनता है। तो बस ये रही हमारी आज की रेसिपी। अभी हमारी सब्जी देखिए आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो बस जाइए अपनी किचन में और बना लीजिए फटाफट से। तो गाइज़ बिना पनीर के, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पनीर डालकर बहुत टेस्टी लगती है तो मैंने पनीर डालकर क्यों नहीं बनाई है। तो गाइज़ मैंने पनीर डालकर इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि कुछ लोग बिना पनीर के पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने बिना पनीर के बनाई है। और जो लोग पनीर डालकर पसंद करते हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि पनीर लेंगे हम, जितना भी हमें डालना है उतना हम पनीर लेंगे और उसके बाद उसे घी में या ऑयल में फ्राई करेंगे। चौकोर चौकोर पीसों में उसे हम कट कर लेंगे और घी या ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इस टाइम पर सब्ज़ी में ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए और सब्ज़ी को पकाएंगे और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये तो है मेरी टिप्स जो पनीर खाते हैं उनके लिए और जो पनीर नहीं खाते हैं उनके लिए। तो आज की रेसिपी दोनों के लिए है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम ढककर रखेंगे और बढ़िया सा इसका फ्लेवर आने देंगे और उसके बाद करेंगे डिश आउट। क्या है हमारी सब्जी को डिश आउट करने का, तो निकाल लेती हूँ मैं फटाफट से एक प्यारी सी सर्विंग कढ़ाई में। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है, हमारी छोले की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही यम्मी टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, एकदम खूबसूरत यम्मी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये थी मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।